नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रिचा सिंह। आप सभी को सी न्यूज भारत परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल दिवाली का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार अंधकार से विकास की ओर जाने का प्रतीक है और लोग इसे उत्साह के साथ मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के दिन प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 साल के वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे। तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाकर, रंगोली बनाकर, घर सजाकर उनका स्वागत किया था। तब से दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न धर्मों और देवी देवताओं से जुड़ी घटनाएं हैं जिनका दिवाली के दिन से सीधा कनेक्शन है। जानिए दिवाली के दिन और क्या क्या हुआ था और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानियां। माँ लक्ष्मी का अवतरण। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उससे कई रत्न और हलाहल विष निकला था। धन की देवी माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी और जिस दिन वे प्रकट हुई उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि थी, इसलिए दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नरकासुर का वध। कार्तिक अमावस्या तिथि पर ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को इसी दिन मुक्त करवाया था। तब इन महिलाओं ने कैद से मुक्त होने की खुशी 2 दिन तक मनाई थी। पांडवों की वापसी। रामायण के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे। वैसे ही महाभारत के अनुसार जब कौरव और पांडव के बीच हुई जुए के खेल में पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया था। पांचों पांडव अपना 12 साल का वनवास समाप्त करके कार्तिक अमावस्या के दिन ही लौटे थे। भगवान महावीर का निर्वाण। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का निर्वाण या मोक्ष दीपावली के दिन ही हुआ था, इसलिए जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी दीपावली पर्व बेहद महत्वपूर्ण है। वे इस दिन भगवान महावीर को मोक्ष दिवस मनाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।